तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे, मज़े में होंगे। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद में रहो। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद रमज़ान। इस वक्त मैं जो है इस्लामाबाद बाज़ार में हूँ और गेट के बाहर खड़ा हूँ। इंशाल्लाह आपको थोड़ा बाज़ार घुमाऊँगा, क्या कहानी है अंदर। यहाँ पे मामू की भी एक दो स्टॉल वगैरह हैं, ठीक ठाक। यहाँ पे जो है हल्ला गुल्ला रश लगा पड़ा है लोगों का। अंदर का आपको विजिट कराता हूँ, इंशाल्लाह जो भी कहानी है इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, बड़ी से बड़ी वीडियो बनाऊँ, सारा इलाका आपको दिखाऊँ। लेकिन जितने भी बनाऊँगा इंशाल्लाह अच्छी बनाऊँगा। वीडियो पूरी देखना और एंड तक देखना। और दूसरी बात यह है कि मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जितनी भी जो है इस्लामाबाद पेशावर हो गया, जहाँ नारायण गगन सवात वगैरह, कहीं भी घूमूँ, कहीं भी जा रहा हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, तो उस वीडियोज़ वगैरह के जो है आपको नोटिफिकेशन आएंगे और वीडियो जो है आप ताकि देख सकें और लाइक जरूर करें। थैंक यू। सुई में दादा डले क्या पटेल का पाई है जो राहुल बटन दबाएंगे धागा डलेगा बाजी से मारे बदमाशियां कर देना चाहिए। सही
शूज के जो है बाजार में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपको हर तरह के शूज, सैंडल, चप्पल हर ब्रांड में आपको मिल जाएगा। ठीक ठाक शॉप्स वगैरह भरी हैं, फुल भरी हुई है, ये देखिए आप फुल भरी हुई है और काफी सस्ते सस्ते 600 का सेल लगा हुआ है। देखिए आप क्वालिटी अभी तक चेक नहीं करी है। $450 का सेल लगा हुआ है। यहाँ पे नीचे भी आपको यहाँ पे स्टॉल नजर आएंगे, सेल लगी हुई है यहाँ पे, पर्स हो, जूते हो, शूज, चप्पलें हो, सैंडल हो, हर चीज पे सेल लगी हुई है और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन आपको नजर आएंगे। अच्छा 450 की इसकी सेल लगी हुई है, देखें 450 में। ये देखें आप अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम घर के लिए हो, हीटर्स वगैरह देखें, हीटर्स वगैरह अभी भी यहाँ पे बिक रहे हैं क्योंकि यहाँ का मौसम मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको जो है थोड़ा सर्द है मौसम, अभी भी ठंडा है यहाँ पर। ये ब्रांडेड शूज़ हैं जितने भी यूज़ में आते हैं जो बाहर से आते हैं। क्लॉथ्स वगैरह माशाल्लाह देखें आप, चाहे वो पाकिस्तानी ड्रेसेस हो, शलवार कमीज हो, कुर्ता हो, जैकेट हो, वास्कट हो, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये जैकेट्स वगैरह देखें अभी भी बिक रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सर्दी है, जैसे मैंने बताया शॉल्स वगैरह होगी, लेडीज स्टफ वगैरह होगी अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है। और बड़े बेहतरीन डिजाइन से देखें आप
राइफल्स ये देखें ठीक ठाक रश नजर आएगा यहाँ पे माशाल्लाह से। ये जो है यूके के स्टफ बोलते हैं, लंडन स्टफ बोलते हैं, ये सारे जितने भी ब्रांडेड बैग्स वगैरह हैं उनके बाजार है यहाँ पे। यहाँ पे हर तरफ आपको जो है ठीक ठाक चहलकदमी नजर आएगी, ठीक ठाक रश लगा पड़ा है माशाल्लाह। पैंट शर्ट्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह, कोट्स वगैरह। अच्छा यहाँ पे अभी जो है अभी तक सर्दी है, आज जो है 18 तारीख है, फरवरी का महीना है और 2022 की जो है, मैं अभी सिंध से होके आया हूँ टंडो वाला यार से, लेकिन वहाँ पे गर्मी थी, सिंध के अंदर गर्मी थी, कराची में भी गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे अभी भी लोग जो है जैकेट्स वगैरह, कोट्स वगैरह पहन रहे हैं, शाल वगैरह पहन रहे हैं। अभी भी जो है जो सर्दी का आइटम्स है उसके ऊपर रश लगा पड़ा है इस एरिया में। ये देखिए आप बड़ा ये कोट्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह इनके शॉप्स हैं। ये काफी रश पश है यहाँ पे, सही चीज खुला गुल्ला रगी पड़ी है माशाल्लाह, सबका काम अच्छा चल रहा है। ये गेट है इनका, गेट नंबर 7। यहाँ एक गेट नहीं बना हुआ है, काफ़ी गेट बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कोई अंदाजे से कुछ नहीं मालूम है कितने गेट है, लेकिन काफ़ी गेट बने हुए हैं। सब्ज़ी का जो है, वेजिटेबल्स का जो है पोर्शन अलग बना हुआ है, जूतों का पोर्शन अलग बना हुआ है, लुंडे का स्टफ़ का पोर्शन अलग बना हुआ है, ब्लैंकेट्स वगैरह का अलग है, इसके अलावा जो है कारपेट्स वगैरह इसका आइटम्स का जो है वो अलग है। यहाँ पे जो है फूड कोर्ट भी जो है काफ़ी बने हुए हैं, एक पॉइंट नहीं है, कोई तकरीबन 4-5-6 पॉइंट बने हुए हैं, काफ़ी बड़ी जगह है ये, काफ़ी बड़ी अराजी पे जो है ये शॉप्स वगैरह स्टॉल्स वगैरह बने हुए हैं। मेरे साथ रहिए, मैंने कहा वीडियो आपको पसंद आएगी, जितना भी है इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बाज़ार आपको घुमा सकूँ इस्लामाबाद स्टॉल। अच्छा ये गेट नंबर, यहाँ पे भी जो है लोकेशन है, बहुत बड़ा है ये, मैं थक जाऊँगा लेकिन ये बाज़ार ख़त्म नहीं होगा। ये घरेलू आइटम्स वगैरह की जो है शॉप्स हैं, बैग्स वगैरह, आपको यहाँ पे हर इलाके के लोग मिलेंगे और हर ज़बान के लोग मिलेंगे, पाकिस्तान हो चाहे आउट ऑफ कंट्री हो, आपको हर तरह के हर ज़बान और नस्ल के जो है लोग आपको मिलेंगे इस एक बाज़ार के अंदर। हज़ारों लाखों की तादाद में जो है यहाँ पे डेली लोग आते हैं माशाल्लाह से। ये फूड सेक्शन है, जितना भी है ये घरेलू आइटम्स वगैरह जो भी है, गेट नंबर 5 भी आ गया है ये।
हनी वगैरह अगर चाहिए हो किसी को, ये भी मौजूद है। यहाँ पे ये फूड कोर्ट है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह शॉप्स हैं। अजान का टाइम हो गया है, असर की अजान हो रही है। अच्छा, ये बेकरी का आइटम है, बेकरी शॉप, ड्राई फ्रूट्स, ये भी बेकरी आइटम है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये जो है बच्चों के खिलौने वगैरह, ये भी अवेलेबल है। यहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह हो गए। ये देखें, ज्वेलरी वगैरह, बच्चों के खिलौने, इसके अलावा जो है डेकोरेशन का सामान वगैरह भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। सॉक्स, कैप्स, टॉवल्स, इसके अलावा मैं आपको जो है अभी जो है वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह की मार्केट में ले चलता हूँ। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, शुगर केन जूस अगर पीना है आपको आ जाए। अच्छा, यहाँ पे जो है एक कहानी और भी है, कीनू जो है यहाँ पे दर्जन के हिसाब से बिकती है, किलो के हिसाब से नहीं है। हमारे सिंध में जो है, अंदरूनी सिंध जो है कराची के अलावा, कराची में भी काफ़ी इलाकों में दर्जन के हिसाब से बिकती है, लेकिन दूसरी जगह जो है किलो के हिसाब से बिकते हैं, यहाँ पे दर्जन के हिसाब से। अच्छा, ये फ्रूट का सेक्शन था, ये एक सेक्शन नहीं है, यहाँ पे देखें ये एक गली नहीं है, यहाँ पे माशाल्लाह से जो है एक गली, ये है ये गली, है ये गली है, उस तरफ गली है, बैक पे गली है, तकरीबन 5-6 लाइनें हैं ये। इसके अलावा ये जो है कंप्लीट वेजिटेबल मार्केट है। ये वेजिटेबल मार्केट है, हर तरह की सब्जियां आपको जो है एक छत के अंदर मिलेगी, एक ही मार्केट के अंदर हर तरह की सब्जी। और फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे स्टॉल्स हैं और ठीक ठाक रश। यहाँ पे देखिए चाइनीज़, मैंने आपको पहले ही बताया था, हर जबान हर नस्ल के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो। चलो दूसरी लाइन आपको ले चलते हैं, दूसरी साइड पे जूते वगैरह के स्टॉल में लेके चलते हैं। अच्छा, जूते वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे माशाल्लाह से, बेहतरीन क्वालिटी के, वो चाहे न्यू में हो या यूज़ में आते हैं, उसमें भी काफ़ी ब्रांड के जूते आपको मिल जाएंगे। काफ़ी बड़ा स्टॉल है यहाँ पे सब्ज़ी का,
यहाँ पे भी फूड कोर्ट बना हुआ है सामने, बिल्कुल हर चीज़ आपको फ्रेश मिलेगी। ये टमाटर देखो बिल्कुल फ्रेश, सारी सब्जियाँ जितनी भी हैं आपको फ्रेश ही नज़र आएंगे। यहाँ का जो है फूड कोर्ट है, अगर किसी को भूख वगैरह लगती है, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल आउट ऑफ कंट्री से भी काफ़ी लोग नज़र आएंगे, चाइना, मलेशिया, तुर्की, आउट ऑफ कंट्रीज जितने भी हैं, ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आपको नज़र आएंगे इस बाज़ार में। माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा बाज़ार है। अच्छा, ये जो है यहाँ का फूड बाज़ार है, जो भी स्टफ़ वगैरह होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल पंसार वगैरह की दुकानें हैं। दूसरे इसके अलावा जो है घरेलू आइटम्स वगैरह हैं, काफ़ी अलग अलग रश है, बादाम, पिस्ते वगैरह। इसके अलावा आगे जो है कपड़े की मार्केट है, पर्दों की मार्केट है, यहाँ पे लुंडे की मार्केट है, जूते, शूज़ वगैरह सब आइटम एक ही बाज़ार के अंदर मिलेंगे आपको। और काफ़ी बहुत बड़ा बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है। आप देखें, ये देखें, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, ये ड्राई फ्रूट्स सारी शॉप्स हैं। पर्दे वगैरह आपको नज़र आएंगे, ठीक ठाक बड़े बड़े बाज़ार। यहाँ पे जो है मामू का बाज़ार जो है, स्टॉल वगैरह हैं, ज़्यादातर पर्दों का कारोबार कर रहे हैं काफ़ी अर्से। ये है मेरे मामू जान, इनसे मिले अच्छे से, पहले भी मिले हुए हैं, कहाँ मिले हैं यार, आज अभी बाजार आया हूँ। ये इनका स्टॉल है, माशाल्लाह भी भाग गया, देखो चेयर वेयर का जरूरत नहीं है, फिर देखें गपशप लगाते हैं इंशाल्लाह मामू। अच्छा, ये जो है कुछ आइटम्स वगैरह आपको दिखाता हूँ, क्या क्या यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। देखें जितने भी आइटम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सारे जो है ये पर्दों की फील्ड से है, पर्दों से रिलेटेड हैं, काफ़ी जो है खूबसूरत बनाने के लिए पर्दे वगैरह साइडों में लगाते हैं। मामू जानू को अपने काम पे छोड़ दिया है, मैं थोड़ा आगे की तरफ निकल जाऊं, क्या कहानी है यहाँ पे बाज़ार में, एक दो वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। ठीक ठाक यहाँ पे हल्ला गुल्ला लगा पड़ा है माशाल्लाह से।